अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचने पर सांसद मीसा भारती ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों से मैंने निवेदन किया कि वो जाकर गेट पर ही लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर ले, चूंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ईडी के अधिकारी बाहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ईडी के अधिकारी दबाव में है और यदि वो मेरा निवेदन मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई दो मिनट यहीं गेट में खड़े खड़े बात कर ले। वो अफसर भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना। आप लोगों ने कहा कि ये ईडी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध है, कैसे है? मीसा जी, दिल्ली मुंशी बुलाया गया था, इसके पहले बुलाई गई थी, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर रोड स्थित एक अपार्टमेंट में 12वीं की एक छात्रा मुस्कान कुमारी ने लटक कर सुसाइड कर लिया। मृतिका बांका जिला के बिलहर की रहने वाली थी। वहीं मृतिका सुंदरवती महिला महाविद्यालय में पढ़ाई करती थी। घटना की सूचना के बाद मृतिका की बहन और चाचा उसके रूम पर पहुंचे, जिस अपार्टमेंट में मृतिका रहती थी। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। मृतिका के कमरे में पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लिखा गया है कि पिताजी के मरने के बाद उस पर घर का ज्यादा दबाव था, जिस कारण वो अपनी मर्जी से ये कर रही है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वहीं घटना को लेकर परिजन अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो मृतिका के साथ एक युवक भी उसी कमरे में रहता था और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा के क्रम में आज किशनगंज पहुंचे हैं। मालूम हो कि बंगाल से उनकी यात्रा किशनगंज पहुंची है। बिहार बंगाल सीमा के फरीम गोड़ा में न्याय यात्रा का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। चेक पोस्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित कांग्रेस के स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इमरान प्रतापगढ़ी समेत तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान मौके पर मौजूद नेताओं का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद वाहन के जरिए राहुल गांधी यात्रा खगड़ा स्थित अशफाक उल्ला खान स्टेडियम पहुंची। राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए सड़क के दोनों ओर समर्थकों की लंबी कतार देखी गई। कांग्रेस नेता के स्वागत में आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किए गए। यात्रा को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। जिलाधिकारी तुषार सिंगला, एसपी डॉक्टर इनामुल हक सहित तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले, सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा।
एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती, जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं राहुल जी आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं, बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली, इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को दो भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। तो ये देश की हालत है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य है? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है। मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए
बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो यह बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ये देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं, ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना ये काम किया ही नहीं जा सकता है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है, 15% दलित है, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी है। यह सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का एक रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के निवर्तमान में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का तबादला मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के रूप में हुआ है। सुब्रत कुमार सेन ने नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को जिलाधिकारी कार्यालय में अपना पदभार सौंपा। सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में दिए गए 3 वर्ष 27 दिन के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि सभी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और आम लोगों के सहयोग से उनका कार्यकाल बेहतर रहा। इस दौरान उनके समय में किए गए विकास योजनाओं को गिनाते हुए अधिकारी ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से विकास कार्य धरातल पर उतारे जा सके। लर्फ के पैरेलल पुल हो, भोलानाथ पुल हो, वीर पुल हो, ऊपर का ब्रिज हो, और भी SC ST के लिए जो आवासीय विद्यालय, BBC के लड़कों के लिए स्कूल और बहुत कुछ जो उस समय में चूंकि होना था और संयोग था कि मेरा पदस्थापन उस समय भागलपुर जिले में था सर। तो कई सारे कार्यों को करने का, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का मौका मिला, लोगों का भी काफी सहयोग मिला, सारे पदाधिकारियों का, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, नीचे ब्लॉक अंचल और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग बननी है, वो भी स्वीकृत हो चुकी है, म्यूनिसिपल पार्किंग भी है, बंदौन, बहुत सब कुछ जो है, चूँकि इस समय में सारा प्रोजेक्ट आया और एग्जीक्यूट हुआ तो उससे काफ़ी काम इस जिले में हुआ
और टीम का पूरा सहयोग मिला, चाहे वो आपदा की स्थिति हो जो 2021 में जो पुराना सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ और अप्रत्याशित बाढ़ आई, या इलेक्शंस हो पंचायत का, नगर विकास का, MLC चुनाव का, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब लोगों का, स्थानीय लोगों का, शांति समिति का, सिविल सोसाइटी का, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और सब लोगों के सहयोग से 3 साल जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार की प्रायोरिटी है वो करने का मौका मिला। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर, क्या कमी रह गई आप प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते थे, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो भागलपुर के निरंतरता है, मतलब जो चलता रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे आके स्टॉप हो जाता है या कहीं रुक जाता है, एक निरंतरता में जो है विकास कार्य चलता रहता है। कुछ प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कुछ कम्प्लीट होता है, कुछ नया शुरू होने वाला होता है, तो वो तो लगातार होते रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, सब लोगों का सहयोग रहा और सभी लोगों को, सारे हमारे मीडिया के बंधुओं को भी, स्थानीय लोगों को, सारे पदाधिकारियों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल का समय कोई कम नहीं होता है और बहुत अच्छे से गुजरा, तो सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। वहीं भागलपुर के नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को दूर करना है, साथ ही साथ जो भी विकास योजनाएं चल रही है उसको गति प्रदान करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ उन्होंने कहा कि जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करना उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। थैंक यू। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करूँगा और मैं देखूंगा कि लोगों की समस्याएं मूल रूप से क्या हैं और उसको प्रायोरिटाइज करूंगा, और प्रायोरिटाइज करने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि एक एक को हम लोग रिजॉल्व करें। और दूसरा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ज़िले का विकास तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ग्रोथ दें ताकि लोगों को हर मामले में सुविधा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी जिसको कि मैं सबसे पहले रिजॉल्व करना चाहूँगा। इससे पहले नए जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने नए जिलाधिकारी का स्वागत किया। वहीं भागलपुर से विदा हो रहे निवर्तमान DM सुब्रत कुमार सेन को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नीतीश कैबिनेट में हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन के मंत्री बनने पर आज भागलपुर के स्टेशन चौक पर हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी के तैलीय चित्र पर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर हम पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार राय ने कहा कि आज हम लोगों को ज्यादा खुशी है कि हमारी पार्टी को कैबिनेट में जगह दी गई है और पार्टी में कभी भी किसी के साथ कोई समझौता हो सकता है, तभी तो बिहार में विकास संभव है। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सर्कुलर के सभी हमारे जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्तागण सभी, आज हम लोग जो मंत्री पद मिला है, जो कि ग्रामीण कार्य मिला है, अभी इनके बाद जो है मंत्री पद का भी घोषणा नहीं हुआ, अभी इनको दिया है ग्रामीण कार्य विभाग को, तो हम लोग इस भागलपुर में पूरे जोश खुशी में मिठाई बांटे और हमारे मुख्यमंत्री जो बनाए हैं नीतीश कुमार उनको भी धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो हम पार्टी के संरक्षक भी है और हमारे जो बिहार सरकार मंत्री मिले हैं उनको भी मंत्री बनने पर बहुत बहुत भागलपुर की ओर से बधाई है, धन्यवाद है, बहुत खुशी है आप सब में। हम पार्टी में बहुत खुशी से है, पूरा जिला अपना खुशी है कि हम पार्टी जो है अब मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं उनके पक्ष में थे, आज पक्ष में कैसा लग रहा है देखिए, एक इसमें आपको मिला। इसमें जो है राजनीतिक में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, जब समय आता है, समय जब भी आया है वो पक्ष में है, इंडिया के साथ पहले भी था, इंडिया के साथ अब भी है, जब इंडिया के साथ है विकास, बिहार में विकास होगा,